पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने विनियोग अध्यादेश के जरिए लाए बजट पर कहा कि इतने दिनों में बजट आया वो भी 28,000 करोड़ कम है। स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग जैसे विभागों के बजट में कटौती की गई है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। लाया गया है लेकिन 28,000 करोड़ का बजट है और स्वास्थ्य सेवाएं जो होती है उसके बजट में कटौती कर दी। पहली बार 70 साल में बजट अध्यादेश के माध्यम से लाया गया है, मतलब 6 महीने के अंदर ही सरकार बजट नहीं लेके आ पाई और कोरोना लगातार बढ़ता रहा। इसकी सबसे खासियत यह है कि 28,000 करोड़ पिछली बार से कम है और स्वास्थ्य सेवाओं में जो बढ़ना था वो 50 करोड़ लगभग कम है, जबकि बढ़ाना था, हॉस्पिटल बढ़ाने की बात थी, हॉस्पिटल बढ़ाना है, टेस्टिंग ज़्यादा करना है, तो स्वास्थ्य का बजट तो बढ़ाना था। और समाज कल्याण विभाग का भी 500-600 करोड़ रुपये कम कर दिया है। समाज कल्याण मतलब जो गरीबों को जो राहत देना है वो देना है, गरीबों के लिए तो कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। विकास के नाम से बहुत सी चीज़ें थी लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं, गुमटी वाले, ठेले वाले, इनको क्या सहायता दी जाएगी इस बारे में कोई बात नहीं की। और जो मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा था कि 10,000 रुपये प्रत्येक ठेले वाले छोटे दुकानदार को लोन दिया जाएगा, हमारी मांग थी कि उनको अनुदान दिया जाए, वो भी अभी तक किसी को नहीं मिला है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस बजट की। और मैं समझता हूँ आज स्थिति ये हो रही है, मरीज ज़्यादा हो गए भोपाल में और बेड हैं कम। अगर किसी का घर में संक्रमण आ गया, वो पॉजिटिव हो गया, तो उसके घर वालों की टेस्टिंग नहीं करते। वो टेस्टिंग इसलिए नहीं करते कि अगर टेस्टिंग में पॉजिटिव आ गया तो ले कहाँ जाएंगे, इनको बेड है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि पूरा ये 6 महीने का लगभग इनका जो कार्यकाल है कोरोना के मामले में पूरी तरह फेल हो रहा है। इस समय देश में 24 घंटे में 50,000 के लगभग संक्रमण हुआ है और मध्य प्रदेश में 800 लोगों की जान चली गई और भोपाल में लॉकडाउन के बाद भी 212 संक्रमण के केस आए। और तो और मुख्यमंत्री जी कोरोना पॉजिटिव हो गए, मतलब सरकार अस्पताल पहुंच गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।